हाय फ्रेंड, नमस्ते। मैं कल्याणी फिर लेके आई हूँ एक बेस्ट चीज़ से, बहुत ही ज़रूरी सामान। मैं लेगीज पुराने हो जाने से तो सब लोग फेंक देते हैं, तो मैंने ये लेगीज से पापोज बनाने की कोशिश की। देखिए, मेरे पास तीन पुरानी लेगीज थी, एक रानी कलर के, एक वाइट कलर के और एक ऑरेंज कलर के। मैं तीनों को मिला के एक पापोज बनाऊंगी। देखिए, इसको ऐसे कटिंग कर लेना है। अब देखिए, मैंने पूरा बराबर कटिंग कर लिया। अब मैं 2 इंच का स्ट्रिप बनाऊंगी लेगिंग से, तीनों लेगिंग से 2 इंच की चौड़ाई के, और लंबाई जितना लेगिंग्स का है उसी लंबाई से स्ट्रिप बनाऊंगी। जितना स्ट्रिप बनेगा उतना स्ट्रिप बनाऊंगी। देखिए, सारे को मैंने काट लिया, स्ट्रिप बना लिया मैंने, वाइट भी, ऑरेंज भी और पिंक भी, तीनों को मिला के अब मैं बनाऊंगी। देखिए, तीनों का एक एक स्ट्रिप में हाथ में लेके किसी चीज़ में बांध के, या फिर कोई पकड़ ले उसी में, चोटी जैसे बनाना है, बनाते हैं ना बालों की, वैसे ही बनाना है मुझे। देखिए, पूरा मैं ऐसे ही एक चोटी लंबा सा बनाऊंगी। देखिए, ऐसे करके मैं पूरा चोटी बना लूँगी। और हाँ, जहाँ पे स्ट्रिप ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे मैं नया स्ट्रिप डाल के जोड़ लूँगी। देखिए, ऐसे करके थोड़ा पहले से जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये मजबूत नहीं होगा। ये देखिए, ऐसे सारे स्ट्रिप को जहाँ पे भी ख़त्म हो जाए उसी कलर का स्ट्रिप डाल के हम जोड़ लेंगे। ये देखिए, इतना लंबा रस्सी मैंने बना लिया चोटी का ही। अब देखिए, चोटी एक सुई ले लिया और धागा ले लिया, मजबूत वाला धागा चाहिए। तो ये देखिए, जो रस्सी बनाई थी चोटी वाला, उसको मोड़ मोड़ के मैं राउंड बनाऊंगी। देखो, उसी जगह पे मैं सिल भी दूंगी। देखिए, इसी वजह से मैं सुई में धागा डाल के ऐसे करके पूरा राउंड बनाऊंगी। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा पेशेंट बना के करेंगे तो ज़रूर अच्छा भी लगता है, बहुत सुंदर लगता है। अब देखिए, इसको राउंड करते जाना है, और चोटी हमेशा ऊपर की तरफ ही डिज़ाइन दिखना चाहिए, और साइड साइड से सिलना है दोनों तरफ, जैसे राउंड बनाते जाना है उसी हिसाब से सिलना है। देखिए, डिज़ाइन भी बहुत प्यारी लग रही है। देखिए, मेरा सिल गया। अब देखिए, मैं लास्ट वाला कैसे सिलती हूँ, लास्ट वाला भी जोड़ना है। ये देखिए, सिलाई की तरीका ऐसे ही होनी चाहिए। देखिए, लास्ट वाली एकदम कॉर्नर वाली थोड़ी नोकीला में ही मैंने बंद कर दिया था, और इसको मैं जोड़ दूंगी इस तरीके से ताकि वो जॉइंट पता ना चले। सिल के ही मैं करूंगी, और गार्ड भी अच्छी तरह से लगाना है ताकि ना निकले ये और धागा ना फट जाए। देखिए, बिल्कुल जॉइंट पता ही नहीं चल रहा है ये। बन गया मेरा पापोश। देखिए, जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है जॉइंट जहाँ जहाँ किया वहाँ से, लास्ट में कटिंग करके थोड़ा सफाई हो जाएगा, कटिंग कर दीजिएगा। देखिए, ऐसे करके ये देखिए बन गया मेरा।
Thank you.